हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आपके एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ एंड आपके ऑल रिप्लाई के बारे में। इससे पहले कि हमारी चीज को देखें दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो के बाजू में बेल आइकन आ रहा होगा घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हर एक चीज का करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते, इसलिए सॉरी। जैसे कि यहाँ पे संदीप वर्मा जी बोल रहे हैं, सर मेरे 66 क्वेश्चन एससी मेल, एनी चांस? तो फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज्यादा डाउट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो लास्ट में प्रोवाइड करा दी जाए आफ्टर फाइनल आंसर की के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके नेक्स्ट है क्या बता न्यूज चैनल क्या बोलते हैं, सर मेरे 60 सही हैं एससी से। यहाँ पर उत्तम कुमार कुशवाहा जी, यहाँ पर सर जी मेरा भी यूआर 68, ओबीसी 65, 66, 67 क्या लिखा है इन्होंने। देवेंद्र जी बोलते हैं यहाँ पर 73 हैं इनके ओबीसी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी इसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, आखिरकार क्या जाता है आपका एक्सपेक्ट कट ऑफ। इसी प्रकार से अनूप भाई बोलते हैं, सर 68 क्वेश्चन जनरल मेल, एनी चांस? तो ओके अनूप जी, अभी आपको इसका जवाब मिलने वाला है। यहाँ पर राम पटेल क्या बोलते हैं, 66 ओबीसी है, मेल है इनके मार्क्स। इसी प्रकार से नितिन मीना 66 मेल। यहाँ पर अंकित द्विवेदी जी बोलते हैं 65 योर फीमेल, हो जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल अभी जवाब मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम कमेंट्स को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि कमेंट्स हैं आपके बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके कट ऑफ को, रिजल्ट डेट एंड आपका क्या ऑल रिप्लाई के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा फाइनल आंसर की के बाद। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तैयारी करूं कि ना करूं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं। दोस्तों, हम यहां पर देखने वाले हैं कि आखिरकार आपका क्या रह सकता है, क्योंकि अभी आपके यहां पर आरक्षण वो कोर्ट का फैसला अटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आप लोगों का रिजल्ट लेट हो रहा है, वरना आपका रिजल्ट अब तक आउट कर दिया जाता। आपको पता होगा ओबीसी में 27% का जो आरक्षण का मुद्दा है, उसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट अटका हुआ है। आप वो 40% पे अटकता है या फिर आपको कोर्ट के फैसले के अनुसार जो कुछ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप यदि यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम किसका कट ऑफ आपके सबसे पहले यूआर कैटेगरी का। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं आपके यूआर कैटेगरी की। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मैंने यहाँ पर हर एक चीज का एनालिसिस कर लिया है, आप लोगों के अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं सबके कमेंट्स को देख लिया है। और अब बात रही आपके आरक्षण की, सर यहाँ पर ओबीसी वालों को 27% मिलेगा कि फिर यहाँ पर 40 मिलेगा। अब दोस्तों, जो भी मिले, मैंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाले हैं कि आखिरकार आपका एनी हाउ किसी भी कंडीशन में कट ऑफ इसी कैटेगरी में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ईआर की। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप ईआर से बिलोंग करते हैं और आपने एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स में मार्क्स गेन किए कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं आपके 67 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, आपके मार्क्स आ रहे हैं 70 के बीच, इतने मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल नो टेंशन नो फिकर हो जाइए, आप तैयारी करिए आपके मेंस की। ओके, और यह है किसका, आपके मेल का। और फीमेल की बात करते हैं, तो दोस्तों फीमेल का भी ऐसे ही कुछ रहने वाला है। यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, आपके 63 से लेकर मार्क्स बन रहे हैं कहीं 69 के बीच। तो फ्रेंड्स, आप भी अभी से तैयारी में लग जाइए, आपके पास टाइम बेहद कम है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं, आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास कमेंट भर भर के आ रहे थे, तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी। इसका मतलब अभी भी आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, आप इसी उलझन में फंसे हुए हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ भी हो, रिजर्वेशन का मुद्दा जैसा भी हो, लेकिन आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन तो 101% होने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पर यूआर का डिस्कस कर लिया, मेल और फीमेल का। चलिए हम देख लेते हैं किसका, आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं कहां पर, नेक्स्ट स्लाइड में, और देख लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस का।
तो दोस्तों आपको बताने हैं, आपकी ईडब्ल्यूएस और जनरल में जरा सा माइनर से डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा नहीं। ओबीसी से कुछ ऊपर और ईआर से कुछ नीचे, बीच में रहता है ईडब्ल्यूएस। फ्रेंड्स आपको बताने, यदि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मार्क्स वन है कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स गेन कर रहे हैं आपके कितने, आपके 66 से लेकर मार्क्स आ रहे हैं 68 के बीच, इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो आप भी बिल्कुल नो टेंशन है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 101% होने वाला है, बट आपके मार्क्स इतने होना चाहिए। फिर आरक्षण का जो भी हो, मिले ना मिले, यदि आपके इस कैटेगरी में मार्क्स फंस रहे हैं तो आप भी अपने मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, ये है आपके मिल का। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं किसका, आपके ओबीसी कैटेगरी का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपकी किसकी, जी हाँ दोस्तों, आपके ओबीसी कैटेगरी की। फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपने एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में गेन की है मार्क्स कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स लेके आए हैं आपके 64 से लेकर आपके 66 के बीच, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर किसी भी एनीहाउ कंडीशन में रुकने वाला नहीं। यदि आपको आरक्षण मिल जाता है तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन 64 के समथिंग आराम से हो जाएगा। यदि आपको आरक्षण नहीं भी मिलता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन 66 के सम बिल्कुल 101% हो जाएगा। ओके, तो आपका ये हुआ किसका, ओबीसी कैटेगरी का। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप फीमेल हैं तो आपके मार्क्स में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं, आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन 63 से लेकर 65 के समथिंग। यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है ओबीसी कैटेगरी से आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, तो आपका सिलेक्शन 101% है। अब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप तैयारी कंटिन्यू कर दें अपने मेंस की, आपके मेंस को भी बिल्कुल टाइम नहीं है। हमने यहाँ पे जाना आपके ओबीसी का, अब हम देख लेते हैं आपके एससी एंड एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके एससी का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में एससी कैटेगरी से मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप ला रहे हैं 60 से लेकर आपके 64 के बीच मार्क्स, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी 101% होने वाला है, 60 से लेकर 64 के बीच, इतने से कट ऑफ आपका किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, ये हुआ किसका, मेल का। हम फीमेल का देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, 59 से लेकर कहां तक आपके मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, 63 के बीच, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी 101% हो जाएगा। ओके, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, इतना है तो आंखें बंद करके अभी से तैयारी करिए अपने मेंस की। अब आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वीडियो में लगे रहे तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप मेंस की तैयारी कब करेंगे। ओके चलिए हम देखते हैं अब एसटी कैटेगरी का। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आपने एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में मार्क्स गेन किए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं आपके 56 से लेकर आपके मार्क्स 59 के बीच, इतना है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, यू आर सेफ 100%, ये है आपके मेल का। हम बात करते हैं किसकी, फीमेल की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, फीमेल का भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है, यदि आप फीमेल हैं और एसटी आपकी कैटेगरी है तो आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन यहाँ पर 54 से लेकर कहाँ तक आपके 58 के समथिंग, इतना मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है 101%, इससे ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस कर लिया है, आपके यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल एंड फीमेल, इतना आपके स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा।
तो दोस्तों आपको बता दें, चूंकि अभी आपका आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में लटका हुआ है, जी हाँ दोस्तों, और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता तो ये तो 100% है कि आपका रिजल्ट आने वाला नहीं। अब सर कब तक होगा सॉल्व? तो चूंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपको डेट एक्सपेक्ट है कब, 27 से लेकर 28 के बीच यहाँ पर आपको परिणाम मिल जाएंगे कोर्ट की तरफ से, 27 से लेकर 28 फरवरी के समथिंग। ओके फ्रेंड्स, यदि इस समय आपका जो मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल 101% है कि आपको एक दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाए। आपके समझिए कि फरवरी की लास्ट डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ मैंने सभी के आपके जो रिप्लाई थे वो दे दिए हैं, कट ऑफ से ज्यादा रिप्लाई आ रहे थे आप लोगों के, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, और ये सब मैंने आपकी जो फाइनल आंसर की है उसमें जो क्वेश्चंस आपके डिलीट हुए हैं या फिर आपके जिन क्वेश्चंस के एक एक दो दो तीन तीन आंसर दिए गए हैं उन सभी को एनालिसिस करने के बाद और आपके हर एक चीज को देखने के बाद कट ऑफ प्रोवाइड करा है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।